हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में कैसे नोटिफिकेशंस वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस वगैरह कैसे छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस वगैरह को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे छिपा सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस वगैरह हाइड कैसे कर पाएंगे और कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आई कैन श्योर है इसमें स्वाइप कर लेना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से स्लाइड करते हुए आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। और क्लिक करते ही सेटिंग्स पे जाकर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, क्लिक करते ही फ़ोन के सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इस पे जाकर आप नोटिफिकेशंस वगैरह को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली आप देख सकते हैं इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपका सेटिंग्स आ रही है, जिसमें से आपको जाना होगा नोटिफिकेशन सेंटर सेटिंग्स पे। तो नोटिफिकेशन सेंटर सेटिंग्स पे जब आप जाते हैं, तो नोटिफिकेशन सेंटर सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को हाइड करना चाहते हैं, तो शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट पे क्लिक कर देना है। तो भी नोटिफिकेशन कंटेंट या जो भी है नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे, जो आपके फ़ोन पे शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको छिपा दिया। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। और साथ में जब आप बैक करते हैं, तो बैक करते हुए आपके पास डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है, देखते हैं यहाँ पर शो नहीं हो रहा फिर भी। तो आपको सिंपली स्लाइड करना है और यहाँ से नोटिफिकेशन सेंटर पे जाकर मोर सेटिंग्स पे जाते हैं, तो नोटिफिकेशन आइकन शो हो रहा है, जिसको उसको आप इस तरीके से ऑन करके मतलब शो कर सकते हैं। फिर हाइड करना चाहें तो ऑफ करके हाइड कर देंगे, तो नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।